क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारतीय टीम की पराजय पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। संजय राउत ने मैन इन ब्लू की हार के बहाने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत सकते थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं क्रिकेट का कोई बड़ा जानकार नहीं हूँ। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबके दिल पर उसका असर हुआ है, हम हार गए। हमारी क्रिकेट टीम बहुत ही होनहार और बहुत कामयाब क्रिकेट टीम है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हमने 10 जो मैचेस है बहुत अच्छी तरह से खेले हैं और फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हार गए। लोग कहते हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते। मालूम नहीं मुझे, मैं क्रिकेट का इतना शौक नहीं रखता हूँ, लेकिन जैसे लॉर्ड्स है इंग्लैंड में, जिसे क्रिकेट का सबसे बड़ा एक स्थान कहा जाता है, वैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, क्रिकेट का पंढरी कहा जाता है। जो क्रिकेट के भक्त हैं उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई बहुत बड़ी जगह है। दिल्ली है, फिरोज शाह कोटला मैदान में होते हैं मैचेस, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहाँ वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है, और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है और मोदी जी वहाँ थे इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था, लेकिन इस देश का दुर्दैव है, हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। सोशल मीडिया पे बीजेपी को ट्रोल किया, कपिल देव को नहीं बुलाया गया। कपिल देव जो भारतीय क्रिकेट के एक शिखर पुरुष है, जिसने पहली बार हमारे देश को विश्व चषक वर्ल्ड कप जीत कर लाया था, उनको भी अहमदाबाद के इस क्रिकेट के सबसे बड़े उत्सव में बुलाया नहीं गया। उसने भी नाराज़गी व्यक्त की है। अगर आप कपिल देव को नहीं बुलाते और सभी छुटपुट नेता बीजेपी के एक्टर सबको इन्वाइट करते हो, और जिसने सबसे पहले वर्ल्ड कप जिताया उसको नहीं बुलाया, उसके टीम को नहीं बुलाया, तो कौन सा क्रिकेट है? ये तो राजनीति है।